I'm Dr. Saurabh Mahajan, and I'm working as a pain physician and a critical care expert in Amadi Hospital, Patharpur. आज मैं आपके साथ एक स्पेशल केस डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ट्राइजेमल न्यूरल्जिया। ये पेशेंट हमारे पास जम्मू से आए थे, मिसेस तारा देवी, एंड 10-12 साल से ये ट्राइजेमल न्यूरल्जिया, जिसको मुंह का दर्द बोलते हैं, नस का दर्द बोलते हैं, ये उससे जूझ रही थी। हमने इसको RF एब्लेशन ऑफ ट्राइजेमल नर्व के साथ ट्रीट किया। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसके लिए एडमिशन की जरूरत नहीं है, जिसको हम किसी जनरल एनेस्थीसिया में भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। पेशेंट को सेम डे छुट्टी मिल सकती है। कितने साल हुई है दर्द में? कोई 12 साल ही होने हैं। जिसको 10-12 साल से कोई दवाई से असर नहीं आ रहा था, ये पेशेंट को इमीडिएटली ऑन टेबल रिलीफ मिला। पेशेंट की दर्द बिल्कुल गायब हो गई, कोई तकलीफ नहीं उस तो बाद अले या नहीं हुई। इस दर्द के चलते ओरल हाइजीन खराब हो जाती है, पेशेंट के दांत निकल चुके होते हैं, पेशेंट खा नहीं पाता, पेशेंट को हवा लगने से भी दर्द होता है। ये कई बार इतनी भयानक हो जाती है कि पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, जिसमें चलते पेशेंट कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। इसलिए इस बीमारी को कई बार सुसाइडल पेन भी बोला जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर मोस्ट पेन इन द बॉडी। अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से असर नहीं आ रहा और पेशेंट अगर सर्जरी के लिए फिट नहीं है, इस प्रोसीजर के रास्ते हम मरीज को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, पेन फ्री लाइफ दे सकते हैं। ये प्रोसीजर हम पठानकोट अमदीप हॉस्पिटल में रेगुलरली करते हैं। इसका नाम है RF एब्लेशन ऑफ जेसेरियन गैंग्लियॉन। तो अगर किसी को भी इस तरह का मरीज के बारे में पता लगता है तो प्लीज हमसे मेडिकल हेल्प के लिए संपर्क करें।